लास्टली हॉरर जॉनर है और एक ह्यूमन ड्रामा भी है साथ में, सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। इट्स अ 3D फिल्म। जहाँ तक एक हॉरर फिल्म का सवाल है, 3D के उपयोग से हम ऑडियंस को ऐसा महसूस करा सकते हैं कि जैसे बुरी आत्मा उनके इर्द गिर्द ही है और शायद उनके बाजू में ही क्यों ना बैठी हो। और इसमें 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। देयर इज अ सुपरस्टार, एक बॉलीवुड का फिल्म डायरेक्टर है जो मैं हूँ, और देयर इज अ राइजिंग स्टार। राष्ट्रीय एक हॉरर जॉनर की फिल्म है। ब्लैक मैजिक, वूडू, जो भी सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, सबका मिलाव है एक साथ। मौत नहीं आएगी उसे, मरना जरूर चाहेगी। ऐसा ही तो होता है काला जादू। राज 3 जेलेसी पे। राज अपने आप में एक इतनी कमाल कहानी है, इतनी ड्रामेटिक स्टोरी है कि मैं कहूँगा कि हॉरर फिल्म में ड्रामा नहीं है लेकिन ड्रामेटिक फिल्म में हॉरर है। ये जादू टोना काली विद्या सब बंद करनी पड़ेगी तुमको। इस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता। बिपाशा का ये करियर का सबसे मुश्किल रोल है। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो इटर्नल फेम पाना चाहती है। सो दैट्स अ कैरेक्टर प्लेड बाय मी। हर नेम इज शनाया। शनाया शेखर की जो कैरेक्टर है वो उसका ग्राफ ऐसा है कि वो एक जगह से शुरू होती है और फिर कामयाबी के और शोहरत के पीछे इस तरह भागती है कि वो इंसानियत भूल जाती है। उस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है बिपाशा ने। तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। जिस स्टारडम की वजह से दिल टूटे उसे भूल जाना ही अच्छा है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, सब मेरा करियर है। राज 3 में मैं एक कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और फिल्म का बैकड्रॉप है बॉलीवुड का, ग्लैमर लाइन का। मेरे कैरेक्टर का नाम संजना कृष्णा है, जो एक नई एक्ट्रेस दिखाई है। राज में टाइटल्स में दो मेजर डायरेक्टरों का नाम आता है, एक है जीत गांगुली, दूसरा राशिद खान। बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनके पास कुछ धुनें थी इसलिए जीत गांगुली और राशिद दोनों के गानों का मिश्रण करके हमने राज 3 का म्यूजिक बनाया। जिंदगी से चुरा के, जिंदगी में बसा के, जिंदगानी बनाया है तुझे। जिंदगी से जो गाना है वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है, जिसमें एक लिरिक्स में एक वो है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन बताया गया है कि कितनी स्ट्रगल के बाद तुम्हें पाया है मैंने। मैंने सिर्फ शब्द लिखे लेकिन शबका साहब की आवाज़ ने उसमें जादू का काम कर दिया। झूठे रब को मना के, आसमां को झुका के, जिंदगानी बनाया है तुझे। संजय मासूम ने लिखा है गाना। मेरा ख्याल है कि जो फिल्म की डिमांड थी इस गाने के लिए उन्होंने बिल्कुल जस्टिस किया इस गाने के साथ। जिंदगी से चुरा के मैंने सबसे लास्ट में लिखा ये गाना। पूरी फिल्म बन चुकी थी और विक्रम भट्ट साहब ने और महेश भट्ट साहब ने, उनको लगा कि एक गाना और चाहिए जो हिट गाना चाहिए। हम चाह रहे थे कि एक नई शुरुआत का गाना हो, एक गाने में ऐसा लगे कि जो लड़का और लड़की है वो एक नई जगह पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो जीत गांगुली ने ये ट्यून सुनाई और फिर मुझे बुलाया गया, तो विक्रम भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब, राइटर फिल्म की जो है शगुफ्ता रफ़ीक, सब लोग बैठे, जैसा कि भट्ट साहब तो भट्ट साहब हैं, उन्होंने बात करते 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 और मुझे समझा रहे थे कि फिल्म में किस तरह से ये गाना आना चाहिए और कैसा क्या थॉट होना चाहिए। तो पहली लाइन उन्होंने दी जिंदगी से चुरा के, फिर दूसरा जो थॉट था वो विक्रम भट्ट साहब ने दिया जिंदगी में बसा के। ये दो टुकड़े मिल गए तो फिर तीसरा टुकड़ा बहुत आसानी से आ गया कि जिंदगानी बनाया है तुझे। तो इस तरह से गा के एक बार देखा, जिंदगी से चुरा के, जिंदगी में बसा के, जिंदगानी बनाया है तुझे, तो सबको अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि अब मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, और घर आके फिर मैंने सोचना शुरू किया तो दूसरी लाइन भी बन गई कि रूठे रब को मना के, आसमां को झुका के, जिंदगानी बनाया है तुझे। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था, हम लोगों ने मिलजुल के ये लाइंस बनाई थी, इतना मुझे याद है। मिला जिस तरह सबा मिले,
तो मिला जिस तरह दुआ मिले, तो मिला जिस तरह खुदा मिले बाखुदा। ये गाने की कहानी भी अपने आप में अजीब है, क्योंकि तीन बार हमने उसे पिक्चर में डाला, तीन बार पिक्चर से निकाल दिया। कब कह रहे थे कि फिट हो रहा है, फिर बोल रहे नहीं फिट होता, फिर वापस लगा के रिड्यूज़ करें। लेकिन गाना इतना अच्छा था, जैसे गाना हमें कह रहा हो कि मुझे इस फिल्म में रहना चाहिए, और अल्टीमेटली हमने फिर एक सिचुएशन ढूंढी और गाना डाल दिया। इसका जो बेसिक जो इसका सोल है वो प्यार है, प्योर रोमांटिक सॉन्ग है, कमिटमेंट का सॉन्ग है, कि इसमें एक आदमी जो है कह रहा है कि मतलब मैं पूरी तरह से अब तुम्हारे साथ हूँ। दिस इज डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ फिल्म। जिस तरह दुआ मिले बाखुदा, तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। किस्मतों को जगा के हर जहां को हरा के जिंदगानी बनाया है तुझे, तू मिला जिस तरह सबा मिले, तू मिला जिस तरह सिला मिले, तू मिला जिस तरह दुआ मिले बाखुदा, तू मिला तो जैसे मैं जी गया, तू मिला मुकम्मल मैं हो गया, तू मिला तो फैला है नूर सा बाखुदा। Raaz 3 is a Vishesh film product. So when you talk about Vishesh films, unke gaane hamesha hit hote hain, hamesha acche hote hain, because Mukesh Bhatt has a very solid sense of music. Ek gaana hai Kya Raaz Hai jo mere upar picturized kiya gaya hai, that's the title track, which is really really cool. Marhaba mein khaas baat ye hai ki ye item bhi hai aur saath saath mein romantic फील भी देता है गाने का। अगर आप देखें तो क्या राज है जो सिचुएशन है गाने का, बहुत ही पेचीदा है। जब हमको विक्रम ने फिल्म का सिचुएशन गाने का जो सिचुएशन समझाया, तो उस टाइम हमको लगा कि इट्स अ करेक्टर ऑफ विलन। तीन पॉइंट ऑफ व्यू को रख के एक हिट गाना बनाना अपने आप में मेरे जो लगता है काफ़ी एक चुनौती भरा काम था। बिपाशा जब गाना शुरू करती है, उनका जो एंगर है, उनका जो खोब है, ये गाने से वो फील आना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अरबिक मोड में गाना लेके गया। बहुत ही खूबसूरती से निभाया है जीत ने। मरहबा जीत गांगुली जी का जो म्यूजिक है, एक कॉम्पोजिशन की रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, एक दायरे बुनने बंदिशें बहुत नई हैं उनकी। जीत मेरे हिसाब से कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर है, क्योंकि वो रफ्ता रफ्ता जैसा गाना भी दे सकते हैं जो राज में है, और क्या राज है जैसा आइटम नंबर भी दे सकते हैं। भट्ट साहब ने मुझे जो टाइटल ट्रैक है मरहबा उसका ब्रीफ दिया था कि लाइक जो हीरोइन है फिल्म की वो थोड़ी लाइक एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए जहाँ पे थोड़ा उसको प्राउड हो गया उस बात का, कि जैसे लिरिक्स भी आते हैं मरहबा मैं रूबरू हूँ आसमां के, अक्स मेरी दास्तां के छा गए सबकी निगाहों में। जो हुक लाइन है क्या राज है, इट्स रियली अ ग्रेट साउंड स्कोर। एक्चुअली हॉर्नफिल जो है अपना म्यूजिक में अगर कोई लिरिक्स भी नहीं आता है, लिरिक्स में नहीं होता है, तो कुछ नोट्स होता है कि
ये सुन के आपको लगेगा, तो मैंने ये नोट यूज किया है। राज जो टाइटल रखा गया उस फ्लेवर को मैंने इस राइटिंग में कैप्चर किया है पूरी तरह से। सबसे डिफिकल्ट गाना शूट करने के लिए मरहब्बा या क्या राज है जो गाना था बिपाशा का, वो बहुत मुश्किल था। विक्रम हैज रियली ओवर द ईयर्स उन्होंने कहीं ऑडियंसिस को डराना कहीं ही इज मास्टर द आर्ट। राज का ड्रामा, राज के परफॉर्मेंसेस, 3D हॉरर गाने, मैं कहूँगा कि पैसा वसूल एक बार नहीं 3 बार पैसा वसूल है। राशिद खान एक नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये जो गाना है दीवाना उनका सबसे बेहतरीन गाना है। दीवाना कर रहा है बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और गाना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दीवाना कर गया एक रोमांटिक नंबर है, फुल भीगा हुआ गाना है, दिल को टच करता है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। जावेद भाई ने बहुत अच्छा गाया है माशाल्लाह। इस गाने के अल्फाज बड़े अच्छे लिखे गए हैं, लिरिक्स बहुत खूबसूरत हैं, कंपोज बहुत अच्छा किया गया है और मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा गा सकूँ। राशिद खान को दीवाना कर रहा है के लिए हमने कोई ब्रीफ नहीं दिया, बल्कि उनके पास ये गाना ऑलरेडी था, पहले से स्क्रैच रेडी करके रखा था इसका। मैंने भट्ट साहब के जो गाने सुनता हूँ उस तरीके से फील पूरा भट्ट साहब को जहन में रख के ये सॉन्ग बनाया था। और जब हमने ये गाना सुना तो हमें लगा कि ये गाना जो है वो हमारी फिल्म में एक सिचुएशन है उस पर परफेक्टली फिट हो जाता है, इसलिए हमने वो गाना उनसे लिया। मुझे पता था भट्ट साहब को किस तरीके का फील चाहिए गाने में,
तो उस हिसाब से मैंने सॉन्ग रेडी किया, तेरी बाहों में मिली ऐसी राह सी मुझे। तो इसका लिरिक्स पहले अलग था, फिर सिचुएशन के हिसाब से लिरिक्स लिखा गया। पहले मैं सोच रहा था कि ये गाना थोड़ा सा स्लो है, सॉफ्ट है, तो लोगों को थोड़ा सा सुनने में या फिर ना थोड़ा सा ना चढ़ने में दिमाग पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी जो भी चीज़ जाती है वो अच्छी होती है। जावेद भाई ने 2 घंटे लिए गाने के लिए, 2 घंटे में परफेक्ट चीज़ मिल गई जो हमें चाहिए था, फील, प्रॉपर फील मिल गया। क्योंकि जब ये मैंने गाना वो कार में सुना था, तब से लेके रिकॉर्डिंग सेशन तक ये गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं मेरे सिस्टम में आ चुका था। इस गाने का जो अंतरी का जो क्रॉस है स्पेशली, राज गहरा जो है तेरा बिन गैजा बरोजा दीवाना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मेलोडी है, तो उसको अगर आप है ना उसमें आप है ना वॉइस में डायनेमिक्स नहीं दिखाएंगे तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा मेरे वॉइस में थोड़ा विब्राटो किया, थोड़ा सा ना एक वाइल्ड टेक्सचर दिखाया इसमें। माय फेवरेट सॉन्ग इज दीवाना कर रहा है। ख्यालों में जो गाना है